नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में प्रदेश के कई क्षेत्रों से आए लोगों की शिकायतों और समस्याओं को सुना है। मुख्यमंत्री ने जन समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश दिए कि जो भी जन समस्याएं आ रही हैं उनका समयबद्धता से निस्तारण भी किया जाएगा। सीएम ने ज्यादातर जन समस्याओं और शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया है। कुछ जन समस्याओं के समाधान के लिए लाए गए संबंधित विभागों को निर्देश भी दिए गए। सीएम धामी ने यह भी कहा कि जन समस्याओं का त्वरित समाधान करना सरकार की प्राथमिकता है। अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश भी दिए गए हैं कि जनहित के कार्यों को जो है वो प्राथमिकता से किया जाए। उत्तराखंड की बद्रीनाथ और मंगलौर उपचुनाव में जीत का कांग्रेस नेताओं में खुशी है और कांग्रेसियों ने भी नई ऊर्जा को भर दिया है। हरिद्वार में कांग्रेसियों ने विजय यात्रा निकालकर जीत का जश्न भी मनाया है और साथ ही इस मौके पर ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाते हुए कांग्रेसियों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई। राज्य की बीजेपी सरकार ने दोनों विधानसभा सीटों पर जीत के लिए न केवल सत्ता का दुरुपयोग किया बल्कि बाहर से लोग बुलाकर मतदाताओं को धमकाया। यही नहीं, बीजेपी ने बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर कांग्रेस के भगोड़े को भी मंगलौर सीट पर बाहर से प्रत्याशी लाकर खड़ा किया है। ये कितना आपने देखा मंगलौर में जो नंगा तांडव हुआ गुंडागर्दी का और जो पुलिस प्रशासन ने जिस तरह से किया है उसको एक सबक है, जनता का जवाब है कि लोकतंत्र के आगे लोगों की जीत हुई है और पूरे देश में भी एक संदेश गया सारी सीटें जीतकर कि हिंदुस्तान में कांग्रेस तेजी से आ रही है। भाजपा प्रशासन लोकतंत्र के साथ इस चुनाव को जीतने की कोशिश कर रही थी, उसको जनता ने नकार दिया है और राहुल गांधी जी की जो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने का जो नारा राहुल जी ने पूरे देश में दिया उसको उत्तराखंड की जनता ने भी स्वीकार किया और वो भारतीय जनता पार्टी जिसमें अपने प्रत्याशी नहीं थे उत्तराखंड में मंगलौर में हरियाणा से लाके एक प्रत्याशी को लड़ाया गया और बद्रीनाथ में कांग्रेस के भगोड़े को चुनाव लड़ाया, जनता ने इनको सबक सिखाने का काम किया है। उत्तराखंड में मंगलौर और बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस की जीत पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महाराणा प्रताप चौक पर एकत्र होकर जश्न मनाते हुए मिठाइयां भी बांटी हैं। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने उपचुनाव के परिणामों को बीजेपी सरकार की जन विरोधी नीतियों का परिणाम बताया। कांग्रेस महानगर अध्यक्ष मुशरफ हुसैन की अगुवाई में तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता महाराणा प्रताप चौक पर एकत्रित हुए जहां कांग्रेसियों ने मंगलौर और बद्रीनाथ विधानसभा सीट से उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी की जीत पर खुशी व्यक्त करते हुए मिठाइयां बांटी हैं। इस दौरान कांग्रेस नेता अर्पित ने भी कहा कि जाति और धर्म के नाम पर राजनीति करने वाली बीजेपी का घमंड एक बार फिर से चूर हो गया है। धर्मनगरी अयोध्या के बाद बद्रीनाथ में भी बीजेपी की हार ने यह साबित कर दिया है कि अब धर्म के नाम पर राजनीति नहीं चलेगी। चुनाव में जो इंडिया गठबंधन को भी कह सकते हैं पर विशेष तौर पे कांग्रेस पार्टी ने जो जीत हासिल की है वह जनता जो केंद्र सरकार में लगातार 10 साल से चल रहा है और उसके बाद भी अब येन केन प्रकेण वो बैठ गए हैं, जनता समझ चुकी है कि इनको केवल सीट पे बैठना और लोकतंत्र से देश को नहीं चलाना। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपने अभी तक के कार्यकाल में कई ऐसे फैसले लिए हैं जिन्हें भारतीय जनता पार्टी नजीर के तौर पर मान रही है। दूसरी ओर जहां पर कांग्रेस पार्टी इसको लेकर सरकार पर निशाना भी साध रही, कांग्रेस के प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि सरकार ने वो चीज दी है जिसको उत्तराखंड की जरूरत ही नहीं थी। उत्तराखंड की जनता मूल निवास भू कानून की मांग कर रही थी लेकिन उसको लेकर सरकार ने क्या किया है ये बताना चाहिए। उत्तराखंड में जो भी जमीनों को खुर्दबुद जो है वो किया जा रहा, खनन माफिया हावी है, घर घर शराब पहुंचाई जा रही है और उसके लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं। भू कानून अभी तक नहीं दे पाए, राज्य आंदोलनकारियों की पेंशन में बढ़ोतरी नहीं हुई, इन सब बातों का जवाब सरकार को देना चाहिए। मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कहती रहे लेकिन जनता सब जानती है। हम
तो आपने बनाई तो नजीर हो गई, लेकिन उत्तराखंड के लोगों की जो मूल भावना है वो मूल निवास की बात कर रहे हैं, मूल निवास कहाँ है, वो भू कानून की बात कर रहे हैं, भू कानून कहाँ है, जवाब तो यहाँ दीजिए। आपने जो चीज हमको आवश्यकता नहीं थी वो चीज बनाए हो, हमें तो चाहिए मूल निवास और हमको चाहिए भू कानून, एक सशक्त भू कानून। उत्तराखंड बिक रहा है, उत्तराखंड की जमीनें खुर्द बुर्द हो रही हैं, गरीब की जमीन बिक रही है, पहाड़ खोदे जा रहे हैं, नदियां खोदी जा रही हैं, अवैध खनन का कारोबार चल रहा है, इस बात का जवाब दो क्यों चल रहा है। आज देहरादून प्रदेश कार्यालय में समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्य समिति की बैठक है और बैठक बाहर आप देख रहे होंगे चल रही है। आज का मेन जो उद्देश्य है, एक तो उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जिस तरह से लोकसभा चुनाव में बहुत शानदार जीत हुई है, आज समाजवादी पार्टी पूरे भारत के अंदर तीसरे स्थान पर बड़ी पार्टी के रूप में उभरी हुई है, तो माननीय राष्ट्रीय अखिलेश यादव जी को बधाई देते हुए मीडिया बंधुओं का भी आभार व्यक्त करते हुए मेरे साथ में महिला शक्ति आभा बर्थवाल जी, छोटी बहन हमारी उपाध्यक्ष हेमा बोरा जी हैं, अतुल शर्मा महासचिव जी हैं, हमारे राष्ट्रीय नेता उत्तराखंड की समाजवादी पार्टी ने प्रदेश कार्य समिति की बैठक अपने कार्यकाल में आयोजित की है। प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड शंभू प्रसाद पोखरियाल ने कहा कि उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव के नेतृत्व में शानदार जीत दर्ज हुई है। उन्होंने कहा कि भारत में समाजवादी पार्टी तीसरे स्थान पर उभर कर आई है। शंभू प्रसाद पोखरियाल ने यह भी कहा कि आगामी निकाय चुनाव को लेकर पार्टी ने रणनीति तय की है, सभी जिलों में जाकर वो खुद निकाय चुनाव के लिए पार्टी की रूपरेखा तय करेंगे, आगामी निकाय चुनाव को पूरी मजबूती के साथ लड़ेंगे। प्रदेश कार्यालय में समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्य समिति की बैठक है और बैठक बाहर आप देख रहे होंगे चल रही है। आज का मेन जो उद्देश्य है, एक तो उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जिस तरह से लोकसभा चुनाव में बहुत शानदार जीत हुई है, आज समाजवादी पार्टी पूरे भारत के अंदर तीसरे स्थान पर बड़ी पार्टी के रूप में उभरी हुई है, तो माननीय राष्ट्रीय अखिलेश यादव जी को बधाई देते हुए मीडिया बंधुओं का भी आभार व्यक्त करते हुए मेरे साथ में महिला शक्ति। दिनेशपुर के चंदननगर गांव के कक्षा 8 में पढ़ने वाली 14 साल की बच्ची की सांप के काटने से दर्दनाक मौत हो गई है, जिसे परिजनों में कोहराम भी मच गया। 14 साल की बच्ची खाना खाकर सो गई थी, अचानक सुबह 4 बजे शरीर में जलन की बात कहने लगी, जिस दौरान बच्ची को अस्पताल ले जाया गया जहां उसको डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया है। ये प्रकरण अपना चंद्रनगर ग्राम सभा का है, जो सपन सरकार की लड़की गुंडून सरकार है, इस समय 8वीं क्लास में पढ़ती थी, ये समझ स्कूल में पढ़ती थी। ये घर में उनके छोटे भाई, अपनी मम्मी और खुद ही अपना जो रूम है उनके बेड में वो लोग सोए थे रात को, और अचानक उनको हल्का सा पता चला कि पेट में दर्द उठा। उनके पिताजी घर पर नहीं थे, बाहर काम करने जाते थे, और इन्होंने इनके ताऊ, घर के जो ताऊ है, इनको क्या किया, इन्होंने लोकल डॉक्टर को दिखा के इन्होंने थोड़ा वहाँ फर्स्ट एड की व्यवस्था की, उन्होंने फिर डॉक्टर ने हाई डॉक्टर के लिए रेफर कर दिया उन्होंने। फिर उन्होंने कई हॉस्पिटल में धक्का खा के उन्होंने देखा कि कोई डॉक्टर ने कुछ भी उन्होंने मना कर दिया। फिर उन्होंने कहा कि ये हमारे बस की बात नहीं है, आप ले जाओ। नैनीताल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ यानी कि आंचल डेयरी ने दुग्ध उत्पादन के साथ ही अब शहद उत्पादन के क्षेत्र में कदम बढ़ाया है।
डेयरी फेडरेशन के प्रशासक और नैनीताल दुग्ध उत्पादन सहकारी संघ के अध्यक्ष मुकेश बोरा ने हल्द्वानी में आयोजित कार्यक्रम में आंचल शहद और साथ ही 6 लीटर में दूध पैकिंग को लॉन्च किया है। प्रदेश के दुग्ध विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा द्वारा लगातार दुग्ध उत्पादकों के हितों के लिए कार्य किए जा रहे हैं, जिसमें से एक साल में दुग्ध उत्पादकों के 12 रूपये प्रति लीटर की दरों में वृद्धि की गई है। इस अवसर पर संस्था के सामान्य प्रबंधक अनुराग शर्मा द्वारा बताया गया कि निकट भविष्य में आंचल की ब्रांडिंग और अन्य प्राइवेट दुग्ध कंपनियों की भांति का आंचल की ब्रांडिंग और बिक्री बढ़ाने पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाएगा। विशेष प्रोग्राम में हमने हरेले के शुभ अवसर पर आज आंचल 6 लीटर दूध पैक लॉन्च कराया फुल क्रीम में और स्टैंडर्ड मिल्क में, जिससे कि जो हमारे बड़े उपभोक्ता हैं, बड़े उत्पादक हैं, बड़े जो हमारे यूज करने वाले हैं उनको फायदा पहुंचेगा, क्योंकि अभी तक जो था 0.5 लीटर 1 लीटर की दूध पैकिंग में पॉलीथीन की ज्यादा यूज होता था, अब 6 लीटर पैक में जो है पॉलीथीन कम यूज होगा, इससे पर्यावरण को भी बहुत फायदा पहुंचेगा। साथ ही हमारे गाँव की महिला जो भी सदस्य हैं उनके द्वारा जो भी शहद उत्पादन किया जाता है उस शहद को जो है हम मार्केट में उपलब्ध करवा रहे हैं आंचल के माध्यम से। मैं आप सबके माध्यम से अपने उपभोक्ताओं को जानकारी देना चाहता हूं कि हरेले के इस त्यौहार के अवसर पर हमने अपने उपभोक्ताओं के लिए जहां 6 लीटर दूध का पॉलीपैक लॉन्च कराया है, जिससे कि उनको अधिक दूध लेने में सुविधा हो, साथ ही जो सरकार की एक मुहिम है पर्यावरण को संरक्षित करने की, उसमें भी हमने ये प्रयास करा है कि जो हमारे 10 लीटर कोई दूध लेता तो 10 पॉलीथीन के पैकेट पर्यावरण में जाते, अब 12 लीटर पे दो बड़े पैक जाएंगे तो उनको हम रिवर्स की योजना भी जो हमारी पहले भी चली थी। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल संरक्षण के लिए उत्तराखंड सरकार आज हर संभव प्रयास कर रही है, ताकि पहाड़ों पर जल का संचय, संरक्षण और संवर्धन हमेशा के लिए हो सके। जो हमारे स्रोत जो सूख गए हैं, जो नदियां हैं, जो पुराने हमारे जल स्रोत हैं, उनको पुनर्जीवित करने का एक अभियान सरकार ने लिया है, लेकिन ये काम तभी पूरा होगा जब उसमें जन जन का सहयोग होगा, इसलिए हम सबको इसमें अपना योगदान देना होगा। देवभूमि उत्तराखंड, जिसकी नदियां और जल स्रोत हमेशा से ही देश की प्यास बुझा रहे हैं, इन जल स्रोतों को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। आइए अपनी नदियों और तालाबों को प्रदूषित होने से बचाने और पानी को संरक्षित करने का संकल्प लें। प्लास्टिक कचरा ना फेंकें, ना ही किसी को फेंकने दें। पुराने तालाबों को बचाएं। इसके साथ साथ रोजमर्रा के जीवन में पानी की हर बूंद को बचाएं, क्योंकि यही है जल संरक्षण का आधार। हमारी छोटी कोशिशें लाएंगी बड़े बदलाव, जैसे कि नल खुला न छोड़ें, अगर कोई नल टपक रहा है तो उसे तुरंत ठीक कराएं, चाहे किचन हो या बाथरूम। बेवजह पानी न बहाएं, जब जरूरत ना हो तो नल बंद कर दें। नहाते समय शावर की जगह बाल्टी का प्रयोग करें। साफ सफाई में पानी को व्यर्थ न बहाएं, बाल्टी और कपड़े से सफाई भी अच्छी होगी और पानी भी बचेगा। सिंचाई के दौरान पानी का प्रयोग समझदारी से करें, पौधों को जरूरत से अधिक पानी न दें, इससे खेती भी बेहतर होगी। रेन वाटर हार्वेस्टिंग को अपनाएं, पेड़ पौधे लगाएं। अपनी ये जिम्मेदारी निभाएंगे ना आप? मैं देश के हर उस नागरिक से कहूंगा जो पानी की प्रचुरता में रहते हैं, मेरा उनसे आग्रह है कि आपको पानी बचाने के ज्यादा प्रयास करने चाहिए और निश्चित तौर पर इसके लिए लोगों को अपनी आदतें भी बदलनी होगी। पानी का उपयोग हमें प्रसाद की तरह करना चाहिए। पानी को बचाएं, भविष्य को सजाएं।
ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का, रुक करते हैं खबरों की तरफ। उत्तराखंड की लोक भाषाओं का सिनेमा लगातार विकसित होता जा रहा है। इसी क्रम में उत्तराखंड की पहली सुपर नेचुरल हॉरर फिल्म असगार प्रदर्शन के लिए तैयार है। आपको बताते चलें कि 19 जुलाई से देहरादून के सेंट्रियो मॉल में रिलीज हो रही इस फिल्म का निर्माण आयुषी फिल्म्स के बैनर तले किया गया है और इस फिल्म के माध्यम से उत्तराखंड फिल्म इंडस्ट्री को दो नए चेहरे मिलने हैं, जहां पर फिल्म का ट्रेलर भी लॉन्च हो चुका है और फिल्म अभी से लोगों के बीच में चर्चा का विषय बन चुकी है। सत्य घटना पर आधारित ये फिल्म अत्यंत रोमांचक है और फिल्म का क्लाइमैक्स दर्शकों को हैरान कर देने वाला है। राइटर डायरेक्टर अनुज जोशी और उनकी समस्त टीम इस फिल्म के लिए बहुत उत्साहित है। इस फिल्म में मुख्य भूमिका में अभिनव चौहान और मानवी पटेल, और जहां पर मानवी पटेल ने उड़िया फीचर्स फिल्म ओए अंजलि से अपना डेब्यू किया था, तो वहीं अभिनव चौहान अपनी म्यूजिक वीडियो में अपनी मधुर आवाज और चॉकलेटी लुक से अपनी पहचान बना चुके हैं। खटीमा बाढ़ के आए सैलाब से एक सप्ताह बीत जाने के बाद भी पटरी पर जिंदगी नहीं लौटी है। खटीमा क्षेत्र में भारी बारिश के चलते हजारों लोगों का बाढ़ की चपेट में आने से करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया है। कहीं कहीं आज भी जलभराव की स्थिति जस की तस बनी हुई है। स्थानीय बाढ़ पीड़ितों का भी कहना है कि दुकानों और घरों में जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई कब तक होगी, ये कह पाना नामुमकिन है। पूरा तो नहीं हो पाएगा। तो कितनी बाढ़ आई थी, कितने फीट पानी था? तो काफी हुआ है हम लोगों का, तो कितना नुकसान हुआ? कम से कम हमारा तो 2 लाख के लगभग नुकसान हुआ है। 5,000 तो ले लेंगे सरकार, उससे पर्याप्त नहीं होता है। तो अब आप क्या चाहते हो? आप चाहते हैं कोई सहायता मिल जाए सही से और हम अपना कारोबार दोबारा चला सकें। नुकसान मोटर बाइक और ये तुम्हारे क्या कहते हैं फ्रीज इन्वर्टर वगैरह सभी खराब हुआ। घी का पीपा था, रिफाइंड था। तो ये 5,000 रुपये मिल रहा है, इससे कब पूरा हो पाएगा? क्या नहीं हो पाएगा? तो पटवारी आए थे जी सर्वे में, पटवारी आए थे तो ये कह रहे थे फोटो दिखाओ। तो कहाँ से दिखाओ फोटो? तो सब सामान फेंक दिया, खराब हो गया। खराब सामान घर में थोड़ी ना रखते, तो वो फेंक दिया उठा के। अब फोटो है ही नहीं, प्रूफ है ही नहीं, तो अब वो प्रूफ मांग रहे तो प्रूफ कहाँ से दिखाओ? कितना नुकसान हो गया लगभग तुम्हारा? लगभग हो गया होगा 20 से 25,000 रुपये लगभग। नुकसान तो बहुत अच्छा खासा हुआ है। दुकान से पानी बहुत अच्छा चल रहा था अंदर, वो पूरा सामान सब नष्ट हो गया, पूरा सामान दुकान का। कितना नुकसान हुआ लगभग आपका? नुकसान ये डिस्पोजल वाली में, हार्डवेयर वाली में 4-5 लाख रुपये आई। तो कितने सालों बाद ये बाढ़ आई थी इस टाइप की? ये हमने तो अपनी ज़िंदगी में ऐसी बाढ़ पहली बार देखी है। इससे अच्छा। पहले भी आई बाढ़, लेकिन इतना नुकसान किसी का नहीं हुआ। पहली बार आई है बाढ़? पहली बार आई। तो नुकसान की भरपाई के लिए क्या कुछ कहना चाहते हो सरकार से? सरकार सर्वे कर रही है, सर्वे करके गई है सरकार, पैसे से आए थे, क्या मतलब सरकार मुझे क्या मतलब? आपको बता दें कि चपेट में आने से करोड़ों रुपए का नुकसान की बात जो है वो भी कही गई है। पटरी पर जिंदगी लौटने पर अब काफी समय लगेगा, चपेट में आने से करोड़ों रुपए का नुकसान भी हो चुका है। दरअसल ये पूरा मामला खटीमा का बताया जा रहा, जहां पर उत्तराखंड में बाढ़ जैसे हालात भी देखने को मिल रहे हैं, जिससे तमाम लोग काफी ज्यादा परेशानियों से भी जूझ रहे हैं। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत रुद्रपुर पहुंचे हैं और इस दौरान उन्होंने पत्रकार वार्ता करते हुए प्रदेश की बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना और हमला बोला है। आपदा को लेकर भी सरकार को फेलियर बताया, साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में अतिक्रमण हटाने को लेकर सरकार की स्थिति साफ नहीं है। अतिक्रमण हटाने को लेकर सरकार के दो चेहरे सामने आ रहे हैं। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत रुद्रपुर स्थित किच्छा विधायक तिलक राज बेहड़ की आवास पर पहुंचे, उनके द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा।
उसी घटना की बात नहीं कर रहा हूं, उत्तराखंड सरकार के अतिक्रमण को लेकर के दो चेहरे हैं, एक चेहरा देहरादून से आदेश देता है और दूसरा चेहरा उनका जहां अतिक्रमण हटाया जाता है तो वहां एमएलए के रूप में या मंत्री के रूप में अतिक्रमण को रोक करके वो लेते हैं। तो ये जो है अतिक्रमण, ये स्पष्ट करें कि अतिक्रमण को लेकर के राज्य सरकार की क्या नीति। दस जुलाई को हुए बद्रीनाथ और बंगलौर विधानसभा सीट के उपचुनाव में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेसी पार्टी को दोनों सीटों पर जीत मिली है, जहां एक तरफ कांग्रेस पार्टी से लखपत बुटेला ने बीजेपी से राजेंद्र भंडारी को 5,224 वोटों से हराया, तो वहीं दूसरी तरफ मंगलौर सीट पर कांग्रेस की काजी निजामुद्दीन ने बीजेपी के करतार सिंह बढ़ाना को 422 वोटों से हराकर एक बार फिर से जीत हासिल की है। इस जीत को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा कि यह जनता की जीत है, जब उनके पास चुनाव लड़ने के लिए अपनी पार्टी से लोग नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी पर कहा कि इस हार के कारणों की समीक्षा की जाएगी। ये पूरी तरीके से इंडिया गठबंधन की जीत है, सारी पार्टियों ने मिलकर काम किया और हम जीते हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का व्यापक असर था और भगवान राम ने अयोध्या हरवाया, अगल बगल की 6 सीटें हराई, अब भगवान बद्रीनाथ ने इनको हराया है। ये साबित करता है कि अब इनके बुरे दिन शुरू हो गए और ये आगाज है उत्तराखंड के लिए। 2027 में कांग्रेस अपने सभी सहयोगी दल की मदद से अब उत्तराखंड में भी 2027 में सरकार बनाएगी। मंगलौर विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। कांग्रेस के काजी निजामुद्दीन ने बीजेपी के प्रत्याशी करतार सिंह बढ़ाना को 422 वोटों से हराया, जबकि 2022 का चुनाव जीतने वाली बसपा तीसरे नंबर पर रही है। 2022 के चुनाव में मामूली अंतर से हारने वाले काजी निजामुद्दीन भले ही मामूली वोटों के अंतर से चुनाव जीते हों, लेकिन कांग्रेस की जीत के लिए काफी मायने हैं, क्योंकि हरिद्वार जिला कलेक्ट्रेट में हुई मतगणना के बाद जीत का सर्टिफिकेट लेकर रवाना हुए काजी निजामुद्दीन से मिलने के लिए विधानसभा क्षेत्र के सैकड़े लोगों का जमावड़ा भी देखने को मिला है। धन वर्षा हो रही थी, लठ तंत्र था, उसके सामने लोकतंत्र की जीत हुई है। कांग्रेस के बब्बर शेर जीते हैं, हमारी पार्टी की जीत है और उस एक एक चीख, उस एक एक आवाज की जीत है जो महिलाओं ने डंडे खाए, धक्के खाए, पोलिंग वाले दिन बेइज्जती झेली, गालियां खाई, उनकी जीत है। लठ तंत्र पर लोकतंत्र की जीत है। अगर लठना चलता तो ये तो बहुत बड़ा अंतर होना था। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।